जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से हमारे जुड़े रहिए, नए नए अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो आज हम चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे CRPF HCM कट ऑफ के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी, अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरे ही जा रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चों को कट ऑफ की बहुत चिंता हो रही है। बहुत ज़्यादा क्वेरीज कर रहे थे बच्चे कि मैम कट ऑफ के बारे में बताइए, कट ऑफ के बारे में बताइए। अरे एग्ज़ाम तो दे लो तभी तो कट ऑफ का देखोगे, लेकिन फिर भी आपका कन्फ्यूज़न ना हो, आपको कोई डाउट ना हो, अच्छे से आप एग्ज़ाम दे सको, तो उसके लिए मैं बता दूँ कि कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे बड़ी बात, मतलब पता चल जाता है ना कि हमें इतना टास्क है तो मैं टास्क 100 का लेना है, ठीक है, पूरा 100 out of 100 करना है। ये नहीं कि मैंने बता दिया 50 की कट ऑफ है, किसी चैनल ने बता दिया 40 की है, तो उतने पे नहीं तुम्हें सीमित होना है, तुम्हें 100 करना है। चलिए एग्ज़ाम पैटर्न, सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम पैटर्न, जो इस साल चेंज हुआ है वो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है आपका। लास्ट ईयर जो था वो बहुत पूरा मतलब उलट गया है इस बार, पहले अलग एग्ज़ाम पैटर्न था, अब पूरा पूरा परिवर्तित कह सकते हैं, पूरा चेंज। लास्ट ईयर का बता दूँ, लास्ट ईयर मतलब अब तक जैसे पैटर्न रहता था वो क्या था, तो उसमें क्या था, 200 मार्क्स रहते थे, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, ऑप्शनल आता था उसमें। सब्जेक्ट जो इस बार हैं वो पिछली बार थोड़े बहुत मैच करते हैं इस बार से, बाकी चेंज था पूरा। और उसमें से 25 नंबर का आपका एसे और एप्लीकेशन जो भी था वो रहता था, यानी कि 225 टोटल कितना था, 225 का आपका एग्ज़ाम रहता था, उस पर मेरिट लगती थी, उस पर भी लास्ट मतलब 176 178 ऐसे मेरिट लगती थी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार पूरा चेंज है, ना तो 25 नंबर का एसे है ना ही 200 मार्क्स का है, अब क्या है सिर्फ 100 मार्क्स का है। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में बता दूँ, 100 मार्क्स का है आपका, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइमिंग क्या रहेगा, 90 मिनट, ठीक 90 मिनट रहेगा। साथ ही साथ इसके क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो सबसे बड़ा फैक्टर ये हो जाता है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 यानी कि आपके 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से आपने 1 सही कराया और 4 गलत कर दिए, 1, 3 गलत कर दिए तो 1 चला जाएगा आपका, ऐसे 1/4 की मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग आपकी, ये जो है नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/4। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई ये, डाउट है थोड़ा बहुत कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा मत करो कि हर डाउट पे आप करते जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि डाउट होता है, यार मैंने पढ़ा है मैंने करा है कर देता हूँ, करते करते इतनी आदत लग जाएगी कि आप हर नेगेटिव को करके आओगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को 5 क्वेश्चन है डाउट के, तो 5 में से 2 कर दो, 3 मत करो डाउट के, ठीक, क्योंकि अगर आपने एक बार डाउट अटेम्प्ट कर दिया तो तुम लास्ट 100 तक डाउट को अटेम्प्ट करते रहोगे, जितने सही हैं उतने तो करो, और भाई डाउट के चक्कर में नेगेटिव के चक्कर में अपना सही वाला मत कटाओ। अब बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग फेज है कि 40% क्या है, 35% क्या है, तो मैं बता दूँ जर्नल OBC EWS का जो है 40% पासिंग मार्क्स है, SC ST का 35% पासिंग मार्क्स हर एग्ज़ाम में होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में देख लीजिए हाई स्कूल और ट्वेल्थ में 33% पास है तो बच्चा पास माना जाएगा, नहीं तो दोबारा एग्ज़ाम दो। फिर इसमें क्या है, 40% तो हमारा जर्नल OBC EWS का पासिंग मार्क्स है, SC ST का 35% पासिंग मार्क्स, सिर्फ पासिंग मार्क्स, इस पर मेरिट नहीं बनेगी कि भाई 40% आ गए तो तुम मेरिट में हो ही जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। 100 में से 40 नंबर लिया है तो इनफ नहीं है तुम लोगों के लिए, भाई आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, 40 नंबर तो कोई देखता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कंपटीशन है। अभी बताऊंगी कितना मेरिट हो सकती है, अभी बताऊंगी कितना हो सकती है, अभी 40 मत मान के चलना। उससे पहले बात कर लें हम एग्ज़ाम डेट की, एक्सपेक्टेड मेरिट बताऊंगी, पहले एग्ज़ाम डेट की बात कर लें, सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम डेट है। अभी तो आपका 4 जनवरी से फॉर्म चल रहा है, 25 जनवरी तक चलेगा, 4 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा। अब इसके बाद आप सोचो कितना टाइम आपको मिल सकता है, कितना, 4-5 महीने हैं, इतना सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो, 4-5 महीना आपको नहीं मिलेगा, आपको एक ही महीना मिलेगा, 22 फरवरी से 28 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम डेट है, ठीक, इस बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कितना टाइम है, मान लीजिए 22 फरवरी है आपका एग्ज़ाम, 25 जनवरी लास्ट डेट है, एक महीना भी मुश्किल से नहीं हो पा रहा है, ठीक, तो आप अपनी तैयारी आज से तोड़ बिल्कुल बढ़िया वाली तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई हर वैकेंसी अब ऐसी लगने लगी है जैसे IPS का एग्ज़ाम हो रहा हो, बहुत ज़्यादा टफ है कंपटीशन,
आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, आज और कल पे मत टालिए, आज अभी इसी वक्त से तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, इधर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो जर्नल की जो जाएगी आपकी 75 से 80 के बीच जर्नल की जा सकती है। अब ओबीसी की बात कर लें, 70 से 75, इतना मैं एक्सपेक्टेड बता रही हूँ, 70 से 75। ईडब्ल्यूएस की थोड़ा सा कम मान लीजिए, 65 से 70 मान लीजिए ईडब्ल्यूएस की। एससी एसटी की 62 से 67, 62 से 67 एससी की, और एसटी की बता दूं मैं 60 से 65, बस इतनी ही। अब आप देख लीजिए 35% कितना होता है और मेरिट कितना मैं बता रही हूँ, बहुत बड़ा अंतर है इसमें, दुगना हो गया, ठीक। और इतना ही जाएगी, ये मत सोच लेना कि भाई 35% बोर्ड बोल रहा है भाई पासिंग मार्क्स है तो 35% तो बहुत है भाई, ना बाबा इतने पे मत भरोसा करना भाई, इस पे भरोसा करके बैठोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, अगला एग्ज़ाम की तैयारी, अगली वैकेंसी ना जाने कब आएगी। यही दो लास्ट मुझे लगता है 2017 में आई थी, 2017 में, हाँ 2017 में लास्ट वैकेंसी आई थी, और अब क्या है 2023 है अब आई है। तो ज़रूरी नहीं है 2017 में जिन बच्चों ने फॉर्म भरा हो वो 2023 में भी भर पाएंगे, तो अब भी ज़रूरी नहीं कि जो 2023 में फॉर्म भर रहे हैं वो आने वाली वैकेंसी में भी भर पाएंगे, क्योंकि अभी 5 साल का डिस्टेंस है तो आगे भी 5 साल, 6 साल, 4 साल, 2 साल, कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता है ना। तो भाई इसी भर्ती में देखना है जो देखना है, भर्ती भी कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, 1458 भर्ती है, 1458 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा है भाई एचसीएम के लिए, इतनी भर्ती बहुत होती है, वरना एचसीएम की कितनी भर्ती निकल रही है, 100, 150, 200, हद से हद, और ये तो 1458 भर्ती है भाई, बहुत ज़्यादा है। देख लीजिए अपना अपना, बहुत भर्ती है, एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी करिए। एग्ज़ाम के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं बताया ना मैंने, सब्जेक्ट अब बताती हूँ क्या क्या है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जनरल एप्टीट्यूड, ठीक, 4 सब्जेक्ट हैं, अच्छे से तैयारी करिए। जीके की आपको अगर लग रहा है कि हाँ भाई टाइम बहुत कम है, जीके नहीं कर पा रहे हैं, तो करिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जिन पे आप नंबर ज़्यादा खींच सकते हैं, आप 100 एंड 100 कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दीजिए। जीके करिए, दिन में 2-3 घंटे पढ़ लीजिए, और अब आपको पढ़ाई के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि फिजिकल पहले नहीं है कि भाई फिजिकल की चिंता लेके बैठ जाओ, अभी एग्ज़ाम है पहले, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न अधिकतर सभी वैकेंसी में फिजिकल होता है पहले, लेकिन इसमें एग्ज़ाम है आपका, रिटेन एग्ज़ाम पहले, उसी से आपकी आगे की मेरिट लगती जाएगी, उसी पर आपका लास्ट तक सिलेक्शन होगा। तो भाई रिटेन की तैयारी आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दो मेरी तरफ से। तो आज की वीडियो में इतना ही, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।